Hope you have found out the basic information about blinds and how they study, the basic facts about blinds, and must have gathered the information on Helen Keller, right? So this is chapter 1. It is about autobiography of Helen Keller, how she started writing that story, right? So particularly hum exactly is novel ko kaise lekar chalenge, humne jaise ki aapse first slide mein bhi discuss kiya. पहले हम स्टोरी और ऑथर के बारे में जानने के बाद कुछ टास्क होंगे जो आपके रिसर्च बेस्ड होंगे, प्लस जो भी चैप्टर है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम आपको समझाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद आपने उस चीज़ को रेगुलर या थॉरली रीड करना है, एंड देन वी विल कम टू नो अबाउट द थिंग्स विच वी हैव टू डू. दैट मीन्स जो भी आपको रिसर्च टास्क दिए जाएंगे आप उनको ज़रूर ट्राई करेंगे, राइट? So, writing of an autobiography, first chapter consists of the writer's viewpoint and how she had started writing autobiography. उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ वो बहुत clearly बताएंगी कि पहले वो बहुत ज़्यादा hesitate feel कर रही थी. क्यों? क्योंकि memories आप कैसे recall करते हो, आप उसके लिए हमारे पास आईज़ का होना बहुत ज़रूरी है, हमारा साइट जो कि मेमोरी स्टोर करने में हमको हेल्प करता है. आई होप आपने कुछ फैक्ट्स स्टडी किए होंगे तो कुछ बहुत ही डिफरेंट फैक्ट्स आपकी नज़र में आए होंगे, और ब्लाइंड्स के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा. एक डिफरेंस ये भी है बेटा कि कोई बॉर्न ब्लाइंड होता है और एक जिसकी आईसाइट थी लेकिन एक्सीडेंटली दे टर्न्ड ब्लाइंड, ठीक है? या उनका कहना चाहिए हमें कि बॉर्न प्रॉब्लम्स के साथ हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी प्रॉब्लम को हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए इजी हो जाएगा, उनके लिए टफ हो जाएगा, बट एक थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि एक्सेप्टेंस की बात नहीं आती. यू नो, आपने एक चीज़ को देखा नहीं है पहले ही कि एग्जैक्टली आसपास की चीज़ें कैसी हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा अगर आपने एक डिफरेंट व्यू एन्जॉय ही नहीं किया या एक डिफरेंट माइंडसेट से आपने कभी दूसरी लाइफ को देखा ही नहीं या डिफरेंट लाइफस्टाइल देखा ही नहीं. आप अगर अपने एक जोन में ही चलते चले जाएंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए, आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, ठीक है? लेकिन एक पर्सन जो जानता है कि आई साइट का क्या यूज़ है, बाहर वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल है, और सब कुछ देखने के बाद जब उसे अंधेरे में रहना पड़ता है तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. इनफैक्ट ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है तब तक जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते सिचुएशन. दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हेलेन केलर को जब ये उनके लिए तो हमें कहना चाहिए डिज़ास्टर ही था लाइफ का, जब ये हुआ उनके साथ उस समय शी वॉज़ जस्ट 19 months old, राइट? सो उस समय में जितनी भी चाइल्डहुड मेमोरीज एक बच्चे को याद रहनी चाहिए टिल 5 years, वो वाला जोन तो चला गया जहाँ उनके पास आईसाइट नहीं है. उससे पहले आईसाइट थी तो वो वाली चीज़ें उनको याद नहीं है, जितनी सुने सुनाए बेसिस पर उनको अपने बारे में पता है वो उन एलिमेंट्स को यहाँ पर मेंशन कर रही हैं. सो हेलेन केलर वाज इनिशियली हेजिटेंट इन राइटिंग हर ऑटोबायोग्राफी बिकॉज इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क. सो यू नो व्हाई इट वाज डिफ़िकल्ट टास्क, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट टास्क इसीलिए था कि ब्लाइंड होने की वजह से कुछ विजन उनको लाइफ के क्लियर नहीं थे. ओके, सो इट वाज रियली इसमें वो नहीं आ रहा पेन और वो सारा व्यू. ये रिकॉर्डिंग हमारा एमएस वर्ड वाला है भी या नहीं? और वो कहाँ है? ठीक है. इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू रिमेंबर द इंसिडेंट्स ऑफ हर पास्ट एंड सम एक्सपीरियंसेस अपीयर टू बी फैंसीफुल एंड पार्ट ऑफ अ फैंटेसी. सो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कुछ इंसिडेंट्स उनकी फैंटेसीज़ हो सकती हैं लाइफ की या क्रिएटेड सेगमेंट्स हो सकते हैं उससे पहले वाले. क्यों? क्योंकि उनके पास वो मेमोरीज़ के फॉर्म में कलेक्ट नहीं है जैसा बोला या सुना गया, तो कुछ हद तक थोड़ा सा
वेग हो सकती है उनका डिस्क्रिप्शन उनके पास्ट को लेकर, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इंश्योर किया कि सारी चीज़ें आपके सामने फैक्ट्स फॉर्म में प्रेजेंट की जाएं. सो इट वाज रियली डिफिकल्ट टू रिमेंबर द इंसिडेंट्स ऑफ हर पास्ट एंड सम एक्सपीरियंसेस अपेयर टू बी fanciful and part of a fantasy. She had faced both joys and sorrows, but the times of sadness had disappeared with the passing of time. एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमको इस चैप्टर में मिलती है वो है द टोन शी सेट्स. उन्होंने बिल्कुल भी पिटिएबल टोन में ये चैप्टर नहीं लिखा है. शी हैज़ रिटन इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर और एनकरेजिंग मैनर में लिखा है, और कहीं पर अपने आप को एक सिंपथेटिक जोन में लेकर नहीं आई वो, जहां उन्होंने रीडर से सिंपथी चाही हो और ये ज़रूर कहा कि हाँ, अर्लियर इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर टू एक्सेप्ट द सिचुएशन दैट शी कैन नॉट या शी कुड नॉट सी दिस यू नो व्यू या शी कुड नॉट सी अर्लियर विच शी यूज टू सी. और ये एक्सेप्टेंस जो थी उनकी लाइफ में थोड़ी लेट आई. जॉयज एंड सॉरोज को डिस्क्राइब किया है, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ उन चीज़ों को रिकवर किया है उन्होंने. सो टाइम्स ऑफ सैडनेस हैड डिसअपियर्ड विद द पासिंग ऑफ टाइम. जैसे जैसे टाइम गया, इस चीज़ की सैडनेस जो थी, जो हल्के से भी रेजिड्यूज थे, वो सब भी रेजिडुअल थॉट प्रोसेस भी उनके मन में नहीं था डिस्टर्ब होने का. शी कुड नॉट रिकैपिचुलेट ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ हर पास, सो शी हैज़ मेंशन द वंस विच वर मोर इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट. अब क्योंकि वो हर इंसिडेंट तो रिकॉल नहीं कर सकती थी, रिकैपिचुलेट मीनिंग कि रिकॉल किया जाए, जब आप याद करते हो कुछ अच्छी चीज़ें कि पहले ऐसा था फिर वैसा था, यू नो आपको जब विजन होता है उन चीज़ों का. सो शी हैज़ मेंशन द वंस विच वर मोर इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट. उन्होंने सिर्फ उन्हीं इंसिडेंट्स को यहाँ पर मेंशन किया है जो उनके हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग थे और उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे. बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड ऑफ हेलेन के बारे में अगर हम जाने तो June 27, 1880 इन टस्कम्बिया, अ लिटिल टाउन ऑफ नॉर्दर्न अलबामा, वहाँ पर इनका बर्थ हुआ. हर फादर हैड डिसेंडेड फ्रॉम कैस्पर कैलर, अ नेटिव ऑफ स्विट्जरलैंड हु हैड सेटल्ड इन मैरीलैंड. सो जो उनके फादर थे वो कैस्पर कैलर, यानी कि ग्रैंड फादर जो रहे हैं हेलेन कैलर के, उनका नाम है कैस्पर कैलर. Her grandfather was Casper Keller's son and settled in Alabama where he owned large tracts of land. ये एक थोड़ा सा confusion वाला point बच्चों को लगता है कि यहाँ लिखा है कि उनके father Casper Keller से एक native zone को belong करते थे या उनके native थे ये, फिर उसके बाद grandfather का दोबारा से बताया गया है कि हर ग्रैंडफादर वाज कैस्पर केलरसन, दोबारा से वो नाम दिया गया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ये एक इंग्लिश रिचुअल है जहाँ पर ग्रैंडफादर और बच्चों के या बड़ों और छोटों के नाम को यूनिक रख दिया जाता है, जैसे आपने हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे 1, 2, 3, बट यहाँ पर ऐसा बोला नहीं जाता है 1, 2, 3, 4 नॉर्मल फैमिली अपब्रिंगिंग में. सो ये लोग अलबामा में सेटल हुए थे जहाँ उनके लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड थे. हर ग्रैंडमदर वाज द डॉटर ऑफ अलेक्जेंडर मूरे, तो मूर भी बोलते हैं कई लोग, मूरे भी बोलते हैं इसको. सो हर ग्रैंडमदर वाज द डॉटर ऑफ, और उनकी जो ग्रैंडमदर थी वो भी एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती थी. इनके फादर आर्थर एच केलर वॉज अ कैप्टन इन द कॉन्फेडरेट आर्मी एंड हेलेंस मदर वॉज हिज सेकेंड वाइफ. ये हमने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था जब हमने उनका सेकेंड स्टोरी स्टार्ट किया था. हेलेंस अर्ली होम, हेलेन का जो शुरू शुरू का घर था या जो भी उसकी मेमोरी है, अर्ली होम मेमोरीज, वो क्या हैं. हेलेंस फादर हैड बिल्ट अ स्मॉल हाउस आफ्टर द सिविल वॉर. आप जानते हो क्योंकि आर्मी में सर्व किया है उन्होंने, तो सिविल वॉर के बाद उन्होंने, उनको टाइम मिला जब घर का, तो एक स्मॉल हाउस उन्होंने बिल्ड किया. इट वॉज कवर्ड विद मैनी ब्यूटिफुल एंड स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स लाइक रोजेज एंड हनीसकल्स एंड क्लाइंबिंग वाइन्स. तो ये वाइन्स आप जानते हैं जो बेल बन जाना किसी, जैसे मनी प्लांट होता है, या फिर मालती के फूलों की वाइन देखी होगी आपने, तो जो बहुत अच्छा एक व्यू पॉइंट होता है या घर का व्यू बहुत अच्छे से हो जाता है बाहर, जहाँ वाइन्स के थ्रू बच्चों के खेलने की बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है ये. तो इनको इतना याद है कि इनका घर बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत स्वीट फ्लावर्स थे इसमें जिनकी स्वीट स्मेल्स थी, और
roses, honeysuckle, climbing vines, etc. It was the favorite place of birds and bees. और यहाँ पर इन्हें birds और bees दिखा करते थे. There was a rose bower nearby and Helen's early memories considered it a heaven. अब क्योंकि Helen को ज़्यादा कुछ देखने का मौका नहीं मिला है life में और उनकी life में उन्होंने इस memory को heaven से compare किया है. Rose bower, bower क्या होता है? एक shady area, shady area किसी भी जैसे tree है और आसपास अच्छा garden है या कहीं कहीं छोटा सा एक वाटर बॉडी भी होती है, तो बॉवर जहाँ आप एक शेडी प्लेस में बैठते हैं उसको बॉवर बोला जाता है. और रोज़ बॉवर इनके पास में ही है. हेलेन वुड बी गाइडेड बाय द स्मेल ऑफ फ्लावर्स एंड शी हैप्पीली वॉन्डर्ड इन दिस गार्डन. तो हेलेन जो थी वो इस फ्लावर्स की खुशबू से बहुत अच्छे से यू नो गाइडेड बाय मीनिंग की बहुत खुश होती थी और काफ़ी इंस्पायर भी होती थी इन खुशबू से और इसी से गाइड होते होते इन्हीं फ्लावर्स की खुशबू से स्मेल करते करते वो उस गार्डन का राउंड लिया करती थी और बहुत खुशी खुशी उस गार्डन में घुमा करती थी. हेलेंस इनिशियल डेज, हर अर्ली लाइफ वॉज सिंपल एंड बीइंग द फर्स्ट बेबी इन द फैमिली शी वॉज लव्ड बाय ऑल. काफ़ी पेम्पर्ड थी, आप आगे रीड करोगे, काफ़ी पेम्पर्ड होने की वजह से थोड़ा ज़िद्दी भी हो गई थी. और शी वॉज नेम्ड हेलेन आफ्टर हर ग्रैंड मदर हेलेन एवरेट. तो जब आप इसको पूरा रीड करेंगे उस समय आपको पता चलेगा कि मदर कुछ और नाम लिखना देना चाहती थी, फादर कुछ और नाम देना चाहते थे. तो अल्टीमेटली हेलेन इधर मदर की साइड से यानी मैटर्नल साइड से हेलेन नाम लिया गया और पैटर्नल साइड से केलर आया. तो इन दोनों को मिला के उनका हेलेन केलर नाम रखा गया और वैसे इनका पूरा नाम जो था हेलेन एवरेट. Helen was by birth self-asserting and she could speak how do you. ठीक है, how do ye कई लोग बोलते हैं इसको, when she was just 6 months old. तो Helen by birth ही self-asserting, मतलब एक काफ़ी ऐसा बच्चा जो खुद से इनिशिएटिव लेता है. हम जनरली इनको हाइपर एक्टिव की कैटेगरी में भी रखते हैं या जो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं. तो काफ़ी इंडल्जिंग चाइल्ड था और 6 महीने की छोटी सी उम्र में ही वो हाउ डू ये वर्ड वो बोला करती थी. शी स्टार्टेड वॉकिंग व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड. तो करीब 11 और 12 मंथ में काफ़ी बच्चे चलना शुरू हो जाते हैं और वो भी जब 1 साल की थी तो उन्होंने भी चलना शुरू कर दिया. एंड ऑफ हैप्पी डेज, यहाँ उन्होंने मैंशन किया उनके साथ प्रॉब्लम कब हुई. इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हेलेन बिकेम एक्सट्रीमली सिक, बहुत बीमार हो गई थी. अ सिकनेस दैट वॉज टू इम्पैक्ट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. जिस समय बीमार हुई तब किसी को नहीं पता रहता है कि उनकी लाइफ में एक ऐसा जोन आने वाला है जो उनको शायद ये वर्स्ट टर्निंग पॉइंट होगा या वर्स्ट नाइटमेयर होगा किसी की लाइफ का, लेकिन उसके इम्पैक्ट भी रहेंगे बाद में काफ़ी उनके ऊपर. तब तक तो खैर किसी को नहीं पता था, लेकिन लेटर इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उनके रेस्ट ऑफ द लाइफ में देखे गए. इट वॉज कॉल्ड एक्यूट कंजेशन ऑफ द स्टमक. पहले तो ये कहा गया था कि उनको स्टमक कंजेशन हुआ है और वो भी बहुत सिवियर. एंड द ब्रेन, द फीवर लेफ्ट सडनली एंड देर वॉज ग्रेट रिजॉइजिंग इन द फैमिली. एकदम से फीवर ठीक हुआ तो सब बहुत खुश हो गए कि चलो बच्चा ठीक हो गया है. नो वन रियलाइज दैट शी हैड लॉस्ट हर सेंस ऑफ हियरिंग एंड सींग. लेकिन किसी को ये नहीं पता चला था उस समय तक कि फीवर के एकदम से जाने से उनकी जो सींग पावर थी या आईसाइट थी और हियरिंग पावर जो थी वो भी जा चुकी थी. हेलेन हैड वेग रिकलेक्शंस ऑफ हर मदर्स लव एंड केयर. तो एक दो इंसिडेंट वो बताती हैं जहाँ पर बहुत वेग डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से उन्हें अपने मम्मा का प्यार केयर सब याद है. शी ऑल्सो रिमेंबर्ड हाउ ईच डे वॉज बिकमिंग डिमर एंड डार्कर. सो जैसा कि मैंने आपको ये नॉवल स्टार्ट होने में बताया था कि वो पार्शली डेफ एंड पार्शल ब्लाइंड हैं. सो उनके लिए ये जो आईसाइट का जाना था या ये जो ब्लाइंडनेस थी ये सडन नहीं आई थी, धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी जाती जा रही थी. तो इनिशियली शी वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड. और यहाँ उन्होंने बहुत ऑनेस्टली ये कहा, ये नहीं कि अपने रीडर्स को वो सिर्फ इंस्पायर करना चाहती हूँ तो सब गुडी गुडी पार्ट ऑफ हर लाइफ शी हैज शोन देयर, नो ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने बताया कि इनिशियली उनके लिए बहुत टफ था ये एक्सेप्ट करना, बहुत गुस्से में रहती थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, बट लेटर शी गॉट यूज टू द साइलेंस एंड डार्कनेस दैट सराउंडेड हर. लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने
थोड़ा रिलैक्स जोन में वो जाती गई तो उन्होंने अपने आसपास के अंधेरे को एक्सेप्ट कर लिया. राइट, शी गॉट यूज टू माने उसकी हैबिचुअल हो चुकी थी वो. शी ऑल्सो एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. और उन्होंने इस फैक्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया था कि वो लोगों से बहुत डिफरेंट हैं. However, she remembered the world, the green fields, the bright sky, trees and flowers, the joys she had enjoyed in the initial 19 months. अब ये सब होने के बावजूद भी उनको सब कुछ याद है कि आसमान कैसा दिखता है, ग्रीन फील्ड कैसी दिखती हैं, फ्लावर्स कैसे दिखते हैं, या ये नेचर उनको कितना एन्जॉयमेंट देता है. ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से याद हैं. और इनिशियल 19 मंथ की वो जो एक इम्प्रेशन है उनके ब्रेन में, उनकी मेमोरी में, वो इम्प्रेशन से वो उनको रियलाइज़ है इस बात का कि ये सब चीज़ें कैसी हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट इन चैप्टर वन. और यहाँ हमने देखा कि थोड़ा सा हम सिर्फ ये जान पाए हैं कि एग्जैक्टली उनके साथ प्रॉब्लम कब हुई और उनके लिए नेचर क्यों इतना ज़्यादा रेलेवेंस रखता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हमने यहाँ पर ये देखा है कि किस तरह से शी इज़ पेम्पर्ड एंड शी हैज़ गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर फैमिली एंड ग्रैंड पेरेंट्स, यू नो. उसके बाद यहाँ पर उनकी जो टोन ऑफ डिस्क्रिप्शन है वो बहुत सटल है और बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कहेंगे एग्जैजरेटिंग नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बताया, और बहुत पिटीफुल टोन नहीं है, बहुत क्या, बिल्कुल ही पिटीफुल टोन नहीं है. बहुत ऑनेस्ट अटेम्प्ट से उन्होंने ये चीज़ लिखी. हेजिटेशन उनकी बिल्कुल लीगल है, या जिसे कहना चाहिए लेजिटिमेट है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बचपन खुद से नहीं देखा है, जो सुना है वो लिखा है, तो कहीं ना कहीं जो फील किया है उस चीज़ को मेंशन किया है. तो शी वॉज वरीड अबाउट कि कुछ चीज़ें उनकी फैंटेसी से रिलेट होके एग्जैजरेट ना हो जाएं. इस बेसिस पर जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है बेटा, वो सिंपली इतना है कि आप चैप्टर वन को रीड करें और जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसके चलते आप चैप्टर वन को अच्छे से रीड करने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को ज़रूर लर्न करेंगे. जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा नेचर से रिलेटेड, राइट, कि उनकी अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज जो थी उनमें नेचर का क्या रोल है और किस तरह से उन्हें ब्यूटी ऑफ लाइफ अभी भी याद है. सो यही मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाद तैयार करेंगे. और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में, कि व्हाट हैपेंस देयर. टिल देन स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.